कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आज दोबारा से एक बार फिर ग्रेट मॉर्निंग कहना चाहूंगा आप सभी के लिए। आज का दिन मंगलमय हो ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप उन्नति की राह में रोज अपने कदम बढ़ाएं, लाइफ की सभी परेशानियों का सामना करें और दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन से आप अपने ऑब्जेक्टिव को पाले। बेटे यही मेरी आज के दिन शुभकामना रहेगी। बेटे आज जो है हम लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन के लेक्चर नंबर 2 में एंटर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम एंटर कर रहे हैं लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन के लेक्चर नंबर 2 में एंटर कर रहे हैं। बेटे लेक्चर 1 मैंने लास्ट क्लास में आपको थ्योरी भी कराई, समझाया भी, पीपीटी भी दिखाई, लिखवाया भी, क्योंकि कुछ कंसेप्ट मुझे लगता था मैं खुद लिख लिख के बताऊं। बेटे वो भी बताए, बेटे थ्योरी भी बताई, बेटे क्वेश्चन एक ही कराया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने एक ही क्वेश्चन कराया था। तो मैं आप सभी को आज की क्लास में एजेंडा बताना चाहूंगा। मैं दोस्तों पहले तो एक बार छोटा सा रिवीजन दूंगा और फिर आज मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन करूंगा और कुछ कंसेप्ट, 2-3 कंसेप्ट को भी मैं डिस्कस करूंगा मेरे बेटे। तो आइए हम सभी आज के दिन उस ज्ञान की गंगा में बहे चलें, बहे चलें, बहे चलें। आइए दोस्तों ज्ञान की गंगा में हम आगे बहें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये बता चुका हूं आप सभी को कि लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन आज के माहौल में बड़ी ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बेटे दूर क्यों जाएं? आज आपको कंप्यूटर खरीदना हो, मोबाइल फोन खरीदनी हो, तो बेटे मोबाइल फोन भी आजकल 50,000 के, 60,000 के एप्पल के आ रहे और आप सब लेते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा कि उन्होंने लिखा होता है मोबाइल फोन अब आसान किश्तों में, ऐसे कुछ लिखा होता है। हमारे दिल्ली में तो ऐसे लिखा होता है अब मोबाइल फोन आसान किश्तों में, मतलब आप मोबाइल फोन को पार्ट्स में पेमेंट देके भी ले सकते हो। तो बेटे ये क्या है, लोन ऑप्शन ही तो है, इसमें ईएमआई सेट कर देते हैं। और बेटे मैंने ये सुना कि दिल्ली के अंदर जब एक लड़के की लड़की के साथ विवाह होता है तो हम सब नई ड्रेसेस परचेज करते हैं और लड़की जनरली हमारी दिल्ली में तो लहंगा पहन के उस दिन तैयार होती है। और बेटे मैंने ये सुना कि लहंगे 2-2 लाख से शुरू भी होते हैं, 3 लाख तक जाते हैं, मान के चल रहे हैं 2 लाख से 3 लाख, 5 लाख। बेटे इतने महंगे लहंगे सब खरीदते हैं और वो भी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, क्योंकि हर रोज हर जगह हर किसी के समारोह में थोड़ी लहंगा पहन के लड़की चली जाएगी। ये तो क्लोज रिलेशंस में जो होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं, वहां पर पहन के जाना चाहिए लहंगा। तो बेटे आप बताइए कहां की समझदारी है एक दिन के लिए 2 लाख रुपए खर्च करना। तो क्या कर रहे हैं, आजकल लहंगे भी किराए में मिल रहे हैं,
किराए में लहंगे मिल रहे हैं, इसका मतलब आप लहंगे को लीज में ले रहे हो। ऐसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इतने बड़े बड़े सेट कानों में, गले में, बेटे वो भी आजकल किराए में मिल रहे हैं, क्योंकि एक या दो दिन तो पहनने होते हैं बेटे। फिर अगर आप असली में खरीदो तो एक तो पैसे की इन्वेस्टमेंट है, फिर उसको संभालो, लॉकर लो, टेंशन लो। तो बेटे आजकल लोग टेंशन नहीं लेना चाह रहे, तो मेरी बात आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन आज हर घर घर की कहानी बन चुकी है, घर घर की कहानी, मुंह जबानी बेटे इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो मुझे बताइए, एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, एक कंपनी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है, ये कितना इंपॉर्टेंट इशू हो चुका है कि उस एंटिटी को अब ये सोचना होगा कि वो जो एसेट एक्वायर कर रही है वो लीज पे एक्वायर करे या ओनरशिप बेसिस पे एक्वायर करे, और ओनरशिप भी कैसे, लोन लेकर एक्वायर करे। लो बेटा, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने जो भी अभी तक सीखा, यही बात सीखी कि हम क्या करेंगे इन दोनों ऑप्शंस में, कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर देंगे, और कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं निकालेंगे, क्योंकि इनफ्लो तो दोनों में सेम होगा, तो आउटफ्लो निकाल लेंगे, क्योंकि लीज के अलग तरह के फीचर्स होते हैं और लोन के अलग तरह के फीचर्स होते हैं। बेटे चावल वही है, चावल खाने से पेट भरेगा, लेकिन चावल बिरयानी भी हो सकती है, चावल जीरे वाले भी हो सकते हैं, चावल खिचड़ी भी बनती है। तो आपने देखना है कि आउटफ्लो दोनों की कैसे निकाली जाएगी। बेटे लीज के बेसिस में, लीज बेसिस हम आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, हम लीज रेंट कैसे लेंगे, क्या लीज रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं, तो हमें इफेक्टिव कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इफेक्टिव कॉस्ट लीज रेंट की कितनी पड़ेगी, आफ्टर टैक्स लीज रेंट कितना पड़ेगा। बेटे ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, स्क्रैप वैल्यू का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बेटे लीज रेंट जो हम देते हैं ये अलग अलग प्रकार में दे सकते हैं, फिक्स्ड लीज रेंट भी दे सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट भी दे सकते हैं, बेटे वेरिएबल भी दे सकते हैं, हम वेरिएबल भी दे सकते हैं, और बेटे सेमी वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, बेटे तीन तरह के हम तीन तरह के लीज रेंट्स पे कर सकते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो वो सीखेंगे, हम सब देखेंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मुख्य तौर पर हमें एक ही स्टेटमेंट बनानी होती है, उसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। बेटे हम लेजी के लिए, हम यूजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम ये सब कुछ यूजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ईयर का कॉलम लिखूंगा, फिर यहां लीज रेंट लिखूंगा, फिर यहां टैक्स सेविंग लिखूंगा, फिर यहां पर आफ्टर टैक्स लीज रेंट लिखूंगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखूंगा, और फिर प्रेजेंट वैल्यूज लिखूंगा। मेरे बेटे आराम से देख लीजिए। अब है क्या कि लीज रेंट में देता तो एक्स हूं, लेकिन मेरे को कॉस्ट एक्स की नहीं पड़ती, एक्स से कम की पड़ेगी। जैसे हाथी के दांत होते कुछ और है, दिखाने के कुछ और है, कम की पड़ेगी। तो मेरे को यहां पर कितनी पड़ेगी,
टैक्स के बचत होने के बाद की पड़ेगी। तो बेटे मैं इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस करूंगा और यहां पर टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस निकालूंगा इन लीज ऑप्शन। बिल्कुल इसी तरह से मैं बाइंग ऑप्शन की स्टेटमेंट बनाऊंगा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन। बेटे ईयर मैंने एक बात बोली थी कि बाइंग ऑप्शन में हम ये मानेंगे कि हमने लोन ले लिया है, लोन लेने के बाद हम उस एसेट को खरीद रहे हैं। तो लोन लिया है तो बेटे प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट भी होगा, और जब मैंने बाय कर लिया है तो बेटे मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। और बेटे ये दोनों चीजें सेक्शन 30+32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कैन बी डेबिटेड, इनको डेबिट कर सकते हैं, इसलिए इसमें टैक्स की छूट मिलेगी। टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। फिर आउटफ्लो निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। तो यहां पर आ जाएगी कैश आउटफ्लो, यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा और यहां पर प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेटे लास्ट में यहां पर हम टोटल आउटफ्लो देख लेंगे और यहां से अगर स्क्रैप वैल्यू भी पता होगी तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट लेस कर देंगे। तो बेटे ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा और हम रिकमेंडेशन लिख देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैंने आप सभी को एक बात ये बताई थी कि हम एक छोटा सा वीडियो जरूर देखेंगे। ये असली ड्रीम हो है जी, और ये है लिविंग रूम, देखिए कितना स्पेशियस है जी, देखिए ये है आपका मास्टर बेडरूम। एक बार आप ये वीडियो देखिए, आपने ये एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। इनको घर लेना है और घर या तो अपने पैसों से ले सकते हैं या किराए में ले सकते हैं। तो ये लोन कहाँ से ले रहे हैं जरा देखेंगे, कुछ बोल रहे हैं ये देखिए है जी, देखिए कितना रोमांटिक है, गार्डन चार्टिंग ग्रीनरी कमाल ही हो गया जी है जी। अरे बहुत आराम से रखते वहाँ पे। अरे भाई साहब तो रेड और सीलिंग पे वाइट वाइट जी। अरे सर क्या कर रहे हैं, पहले लोन छोड़ तो पास करवा लीजिए। लोन जी, लोन तो पहले ही हो गया है जी। हाँ जी SBI प्री अप्रूव्ड होम लोन। अब होम लोन की रकम पहले जान लीजिए, फिर अपने बजट में अपना मन पसंद घर चुन लीजिए। SBI होम लोन, जरूरत जैसी होम लोन वैसा। बेटे देखा आपने, लोन की बातें हो रही है। बेटे इस दुनिया में हम हर चीज आजकल लीज किराए में ले या लोन लेकर ले, इस तरह की बातों को करते हैं। आइए मैं आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करूंगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अपने खोल ले रजिस्टर में, अपनी बुक से खोल लें। पेज नंबर 355 है, मैंने आपके स्क्रीन में लिख दिया है, बुक मेरे सामने खुली हुई है। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख लीजिए कहां कहां आया है। CS की स्टडी में दिया हुआ प्रॉब्लम नंबर 46, CS जून में आया था और CMA की स्टडी में भी दिया हुआ है। तो चलिए जी, योर कंपनी इज कंसिडरिंग टू एक्वायर एन एडिशनल कंप्यूटर टू रिप्लेस टू सप्लीमेंट इट्स टाइम शेयरिंग रेवेन्यू सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। मतलब आपकी कंपनी एक कंप्यूटर खरीदना चाहती है, इट हैज टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं, जैसे अभी देखा आपने घर के एडवर्टाइजमेंट में, टू परचेज द कंप्यूटर, या तो सीधा ही खरीद लेते हैं लोन लेकर 22 लाख का, और टू एक्वायर और लीज द कंप्यूटर फॉर 3 years फ्रॉम अ लीजिंग कंपनी फॉर ₹5 lakhs एज एनुअल लीज। बेटे एनुअल इज 5 लाख हर साल देनी पड़ेगी, प्लस 10% ऑफ ग्रॉस टाइम शेयर रेवेन्यू।
The agreement also requires additional payment of 6 lakhs at the end of the contract, third year. तो बेटे यहां पर तीन तरह के खर्चे हैं लीज में. लीज रेंट एक तो फिक्स्ड अमाउंट है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, वो तो फिक्स्ड है. और एक वेरिएबल है, जितना उस कंप्यूटर से तुम सेल करोगे, रेवेन्यू करोगे, उसका 10%. और तीसरा, थर्ड ईयर के एंड में 6 लाख. लीज रेंट्स आर पेएबल एट द ईयर एंड, हर वर्ष के आखिरी में लीज रेंट दे रहे हैं. ये तो हम मानते ही हैं बेटे कि लीज रेंट इज ऑलवेज पेड एट द एंड. लीज रेंट कंप्यूटर विल रिवर्ट टू द लेजर आफ्टर द लीज पीरियड, यह हमें पता ही है. द कंपनी एस्टिमेट्स कंप्यूटर विल वर्थ ₹10 lakhs एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है बेटे लीज के केस में, क्योंकि लीज के केस में कंप्यूटर को वापस करना ही पड़ता है. एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन / लीज रेंट ऑफ कंप्यूटर आर एस्टिमेटेड एट ₹9 lakhs विद एन एडिशनल ऑफ ₹1 lakh फॉर स्टार्टअप एंड ट्रेनिंग कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. These costs are to be borne by lessee. अभी discuss करेंगे. Your company will borrow at 16% interest to finance the acquisition. Underline कर दीजिए. सूद का rate है 16%. Repayment are as per following schedules. Principal interest दिया हुआ है. Straight line method है. Tax का rate 50% है. आराम से देखिए, question को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैंने पढ़ा है. आपको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटे हम क्वेश्चन भले कम करें लेकिन उसकी आत्मा तक घुस जाएं, जिससे कि जिस भी तरह का क्वेश्चन आए हम कर पाए आराम से. मेरे बेटे कोई जल्दी नहीं है, आप 1-2 मिनट और लीजिए, पढ़िए, मैं उसके बाद कराऊंगा. ठीक है जी, तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं जो पेपर में नहीं लिखनी है, आपको पता होनी चाहिए. मैं बस वो लिख रहा हूं, लीज रेंट इन दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ fixed payment variable payment and lump sum payment fixed payment, variable payment and lump sum payment. बेटे यहां तीन तरह की payment है. तो जरा हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे note number 2 में मैं क्या लिख रहा हूं. बेटे कंपनी हैज टू ऑप्शंस, कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं. कंपनी हैज टू ऑप्शंस दो ऑप्शंस हैं, टू एक्वायर ऑन लीज एंड टू एक्वायर ऑन लोन. दो ऑप्शन है, कंप्यूटर को दो तरह से एक्वायर कर सकते हैं.
अब आप चेक करिए कंप्यूटर से हम दो तरह से एक्विजिशन कर सकते हैं, सेल सेम ही होगी, जरा देख लीजिए सेल्स भी हुई है लेकिन सेम होगी। नोट नंबर 3, इन केस एक्सपेंसेस, इन केस एक्सपेंसेस आर कॉमन, इन केस एक्सपेंसेस आर कॉमन और सेम, इन केस एक्सपेंसेस आर कॉमन और सेम, इन लीज एंड बाइंग ऑप्शन, इन लीज एंड बाइंग ऑप्शन, देन लिखना था बेटे, then it is better to ignore। तो ये समझदारी का काम है कि उसको हम इग्नोर कर दें। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक तो चीज लिखी हुई है बेटे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और एक लिखी हुई है बेटे ट्रेनिंग कॉस्ट, एक लिखा हुआ है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक लिखी हुई है ट्रेनिंग कॉस्ट। वैसे बाइंग ऑप्शन में तो बड़ी सिंपल सी बात है, नहीं भी पता होगी तभी हमें पता है कि ओनर और बायर को ही मीट करनी होती है बाइंग ऑप्शन में, और लीज ऑप्शन में, और लीज ऑप्शन में कई बार बेटे लेजर भी इनकर कर देता है ट्रेनिंग की कॉस्ट। अच्छा, अगर लेजर इनकर करता है तो फिर लेजी इनकर थोड़ी करेगा, और कई केसेस में लेजी इनकर करता है तो वहां पर क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि दीज कॉस्ट आर टू बी बॉर्न बाय लेजी यूजर। तो इसका मतलब एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट जो भी है, ये बेटे बाइंग ऑप्शन में भी और लीज ऑप्शन में भी कॉमन है, क्योंकि दोनों केसेस में आप ही को मीट करनी है, कॉमन है, यूजर को ही मीट करनी है, हेंस इसको हम बेटे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बात मैंने बताने की कोशिश की, वैसे आपने लिखी भी थी फिर भी बताने की कोशिश की नोट नंबर 3 के थ्रू। नोट नंबर 4, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है इस क्वेश्चन में वो ये है कि डिस्काउंटिंग रेट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट, इन्फ्लेशन रेट मिसिंग है। तो मैं लिख रहा हूं इन दिस क्वेश्चन, पहले हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख ली इस क्वेश्चन की, डिस्काउंटिंग रेट इन्फ्लेशन रेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज मिसिंग, हमें नहीं बताया गया कि वो कितना है। अब यहां अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता होता था, इसमें नहीं बताया गया कितना है। हेंस इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जहां पर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं पता, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस We will calculate. In these types of questions, we will calculate after tax, after tax interest rate. अभी बताऊंगा क्यों, and treat it as
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पहले लिख लें बेटे, आराम से लिख लें, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। इन दिस क्वेश्चन डिस्काउंटिंग रेट स्लैश इन्फ्लेशन रेट स्लैश प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज मिसिंग, हेंस वी विल कैलकुलेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट्स। बेटे आप ये बताइए कि इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी की, उसको उसके ऊपर हम इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन रेट के बेसिस पे ही इंटरेस्ट रेट को प्लस माइनस करता है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ऊपर नीचे रहे और वो अपने मार्केट